कांग्रेस पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इसी मौके पर भोपाल में भी कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली, जिसमें पूर्व मंत्री और पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए। कांग्रेस की पदयात्रा के दौरान कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और स्वतंत्र संस्थाओं के दुरुपयोग को लेकर पूरे देश भर में ये यात्रा निकाली जा रही है। बता दें, कल राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। रोजाना 25 किलोमीटर की पदयात्रा चलेगी। इसमें राहुल गांधी के साथ साथ स्थानीय नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में यह यात्रा नवंबर में बुरहानपुर से दाखिल होगी और प्रदेश के कई जिलों में चलेगी। इसमें कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। इसके साथ समन्वय और व्यवस्थाओं की भी कमान नेताओं को सौंपी गई है। खास बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी पूरी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को सौंपी गई है। दिग्विजय सिंह पहले भी ऐसे कई कांग्रेस की रणनीति के तौर पर थिंक टैंक के रूप में शामिल रहे हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो पदयात्रा कन्याकुमारी से प्रारंभ हो गई है। आज वो 25 किलोमीटर वहां पर चलेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर ये पदयात्राएं उनके समर्थन में शुरू हो रही है। कल हम लोगों ने प्रार्थना सभाएं की और LED पे उनका कार्यक्रम वहाँ पूरे प्रदेश में जगह जगह दिखाया गया। और कल राहुल गांधी जी ने कहा कि तिरंगा हमारा, ये हर धर्म का प्रतीक है, हर जाति का प्रतीक है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का प्रतीक है और हर एक नागरिक का प्रतीक है। इसलिए इसके सम्मान में भारत जोड़ो और नफरत खत्म करो, महंगाई बेरोजगारी ये खत्म हो, संवैधानिक संस्थाओं को जो कुचला जा रहा है ये सब खत्म हो, इन सब को लेकर उनकी 3500 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू हुई है। जब मध्य प्रदेश में आएंगे वो 24 नवम्बर को, तो ये सब यात्राएं इनका संदेश घर घर पहुंचाएंगे और फिर ये सब यात्राएं उनकी यात्रा में जाकर मर्ज होगी। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।